हमने सबवे लिया एज यूजुअल, और हम लोग जो स्टेशन पे हम लोग उतरने वाले थे उस स्टेशन पे हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन अगेन। हम जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज, आपको दिखाते हैं सबवे का टूर। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं सिटी हॉल स्टेशन पे, जहां से हम लोग जाएंगे ब्रॉडवे, सॉरी ब्रुकलिन रोड की तरफ, ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ। तो हमने सबवे लिया एज यूजुअल, और हम लोग जो स्टेशन पे हम लोग उतरने वाले थे उस स्टेशन पे लिफ्ट ही नहीं थी, लिफ्ट में एलिवेटर नहीं था, एक स्टेशन पे लिफ्ट नहीं था, तो हमने सोचा नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट पे वहाँ पे भी नहीं था। फिर हमने पूरा उधर सीढ़ियों से ऊपर गए, फिर टर्न लेकर वापस आए, और हम अब सिटी हॉल में उतरे जहाँ पे भी नहीं था, लिफ्ट नहीं थी। तो न्यूयॉर्क आ रहे हो तो जस्ट मेक श्योर, अगर आपके पास बच्चा है तो कीप लाइट स्ट्रॉलर, या हाँ, तो वो बेबी कैरियर लेकर आओ, ताकि आप बच्चे, बट हेजल सो रही थी इतना प्यारा, तो हमें उसको ना गोदी में उठा के ना उसके नींद नहीं खराब करनी थी, तो वो ये कि हम दोनों को उसको उठा के धीरे धीरे ऊपर लेके आना पड़ा, धीरे धीरे नीचे लेके जाना पड़ा। बट अगर आप आ रहे हो, जैसे संगीता बोल रही है, लाइट स्ट्रोलर लेके आना। अगर स्ट्रोलर नहीं लेके आ सकते तो इट्स ओके, आप अगर उसको कैरी कर सकते हो हाथ पे अपने चेस्ट पे, तो वो भी बेटर ऑप्शन है। सबवे वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, बट पूरा दिन मतलब आप बच्चे को ऐसे कैरी नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रेफर करते हैं स्ट्रॉलर, ताकि वो सो जाए प्रॉपरली। अभी भी मैडम मस्त सो रही है, तो हमने अच्छा काम किया इसको उठाते हुए, मतलब उठाते हुए हमने जगने नहीं, धीरे से उठाया और ऊपर लेके आया धीरे धीरे। और फिर अब जा रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज, तो दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू। संगीता आ गई है ब्रुकलिन ब्रिज, एकदम ठंड थोड़ी थोड़ी है, मतलब अच्छी खासी ठंड है, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। खाने पीने में वही आपको हॉट डॉग्स, बर्गर्स, चिप्स और ये सब कार्ट्स मिल जाएंगे, फलाफल, शोरमा और ये सब खाने के लिए। संगीता रख के आई है अपने ग्लासेस अपने लॉकर में होटल में। गाइस कमेंट में बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसी लड़की का, जो ग्लासेस लेके तो आई है बट एक भी बार नहीं पहना है पूरी ट्रिप में। तो अगर आप लोग ब्रुकलिन ब्रिज जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको अच्छा खासा वॉक करना पड़ेगा, आई थिंक 1.25 किलोमीटर तो होगा आराम से वॉक करने के लिए। और हम लोग काफ़ी देर से वॉक कर रहे हैं, बट अगर आपको हाँ अभी भीड़ है, क्योंकि डे भी ऐसा है, सनी डे है, तो लोग आते हैं और बहुत लोग क्रॉस भी कर रहे हैं ब्रुकलिन ब्रिज, बहुत लोग टूरिस्ट हैं, तो टाइम लेके आना अगर आप लोग आ रहे हो, और आगे तक जाना पड़ेगा अगर आपको फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेने हैं, तो 1-2 किलोमीटर जितना वॉक हो सकता है।
यहाँ से ब्रुकलिन ब्रिज स्टार्ट होता है, क्योंकि आप ये देखोगे वुडन का, एंड दैट मीन्स कि यहाँ से अब ब्रुकलिन ब्रिज स्टार्ट हो रहा है। Okay, finish. So finally हम लोग बीच में आ गए हैं ब्रिज के। अगर आप देख सकते हो हम लोग एकदम बीच में हैं, और संगीता ने और हमने वीडियोस वगैरह भी लिए हैं अभी यहाँ पे, जो वो सेल्फी स्टिक वाला जो घूमता है, और यहाँ पे ये है, और चूरोस खाने का मन हो रहा है तो ट्राई करते हैं। थैंक यू। अच्छा है, क्या बात कर रहे हो सच में? तो हम लोग निकल रहे हैं अभी ब्रुकलिन ब्रिज से और जा रहे हैं कुछ देसी खाने के लिए, तो देखते हैं कि अगर देसी में क्या ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, और आपको दिखाते हैं। मोस्टली हमारा मन है, मतलब संगीता और मेरा दोनों का मन है कि साउथ इंडियन खाए जाए, टेस्ट किया जाए, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो ज़रूर देखते हैं, वरना साउथ इंडियन हमेशा एक ही ब्रांच का खाते हैं। हाँ, हम लोग नॉर्मली सरवणा भवन प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे मैंने ऑनलाइन देखा था मैप्स पे, तो बहुत सारे अलग अलग है, तो लेट्स सी कौन सा नज़दीक में है और कौन सा एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा, तो वो पूरा चेक करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का इंडियन खाना। सो हम लोग बस आए थे अभी लंच करने के लिए, और ब्रुकलिन में ब्रुकलिन ब्रिज से अगर आप आ रहे हो तो इनका एक रेस्टोरेंट है जो आप मेरे पीछे देखोगे आहार करके, और इनका खाना काफ़ी अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली ये रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, बट इनका लंच मेन्यू वगैरह भी 10 से 12 डॉलर्स के आसपास था, बट काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना काफ़ी अमेजिंग था, वेज और नॉन वेज दोनों में। बट अगर आप कभी ब्रुकलिन ब्रिज हो या फिर आप बैटरी पार्क के साइड हो, तो बॉम्बेज करके इनका एक दूसरा रेस्टोरेंट है, आप वो डाल सकते हो, उसमें भी आपको वैसा ही फ्लेवर खाना मिल जाएगा, बट वेज और नॉन वेज दोनों काफ़ी टेस्टी था, और संगीता को और मेरे को दोनों को अच्छा लगा, और काफ़ी बजट फ्रेंडली था, मतलब ऐसे कोई जितना बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, बट सही था। सो अब खाना पीना सब कुछ हो गया है, हम लोग निकल रहे हैं वॉल स्ट्रीट की तरफ, और देखते हैं वहाँ पे क्या लोग हैं, क्या भीड़ है, अगर कुछ क्रिसमस का कोई डेकोरेशन है। क्रिसमस ट्री है वहाँ पे? चलो, तो क्रिसमस ट्री होगी तो फिर बढ़िया ही है, फिर तो दिखाएंगे आपको क्रिसमस ट्री।